तुम सबको पता है कि इंक्यूबेटर में डिस्काउंट आया है और तुमको मुझे सबको जरूरत है नई वाली यूएमपी, तो इस वीडियो में तुमको बताऊंगा कि कैसे तुम यूएमपी को निकाल सकते हो। और आपको इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि आपके लिए इस वीडियो में एक छोटा सा गिवअवे है। बहुत पैसे अपने पास, तो पहले हम ट्राई करेंगे सीजन 2, बिकॉज जो अब्बा थे हमारे वो कहते थे कि सीजन 2 बहुत अच्छा होता है, मतलब बहुत शुभ माना जाता है सीजन 2, बहुत लाइक मिलती है सीजन 2 में। पहले मैं बहुत गरीब था, फिर मैंने सीजन 2 पहना। पहले तो लोग सिर्फ मुझे मारते थे, अब तो मारने के बाद इमोट भी दिखाते हैं। यही नहीं, अभी और सुन। अब जो मौसी थी हमारी, मौसी बोली कि यार 900 डायमंड में अगर तुम इस यूएमपी को निकाल लोगे तो हम तुमको भगवान मानेंगे। अब वैसे हमको भगवान बनने का शौक नहीं है, बट फिर भी मौसी ने बोला तो मौसी की बात तो माननी पड़ेगी, हमको 900 डायमंड में निकाल के दिखाना पड़ेगा। फिर क्या था, फिर हम सिर पे कफन बांध के निकल पड़े कि अब तो इंक्यूबेटर में स्पिन करेंगे और 900 डायमंड में यूएमपी निकाल के दिखाएंगे। यार मौसी के चैलेंज को कैसे इग्नोर कर सकते हैं, मौसी मौसी बहुत वैल्यू रखती है हमारे लिए। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। और देखो तुमको भी कमेंट करके बताना है कि मुझे ये 900 डायमंड मिलेगी या नहीं मिलेगी। वैसे देखने में तो ऐसा लग रहा है कोई मगरमच्छ का बच्चा मेरे सामने बैठा और मुझे उसको इंक्यूबेटर में स्पिन करके ओपन करना, तो चलो यहाँ पे हमने पहला स्पिन कर दिया है। और मुझे अपनी किस्मत पे पूरा भरोसा है कि मुझे पहले स्पिन में कुछ नहीं मिला, क्योंकि मुझे आज तक नहीं मिला तो इस बार भी नहीं मिलेगा। और मेरी किस्मत भी इतनी बुरी है ना कि जो मैं बोलता हूँ वो हो जाता है, और देखो वैसा हो भी गया, मुझे कुछ भी नहीं मिला इस स्पिन में। सहलेंगे थोड़ा सा, एक बार को तो मुझे लगता है कि कहीं सीजन 2 में तो कुछ फॉल्ट नहीं है, पर फिर भी हम दिल में पत्थर रख के एक और स्पिन करते हैं, देखते हैं क्या पता है इसमें हमको कुछ मिल जाए। पूरी उम्मीद के साथ मैंने स्पिन किया बट मुझे मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि जितना भरोसा आपको अपने दिमाग पे है उतना भरोसा मुझे मेरी किस्मत पे है। पर आज लगता है सूरज उल्टी दिशा से निकला, पहली बार मेरे से चमत्कार हो गया, मुझे पहली बार ब्लू प्रिंट मिला, मतलब इतने कम स्पिन में। ऐसा लग रहा है या तो आज गरीना वाला छुट्टी पे गया हुआ है या फिर गरीना वालों ने आज मुझे स्पेशल डिस्काउंट दे रखा है कि आज तो कम डायमंड लगाएगा और ज्यादा इनाम पाएगा। पर यहाँ पर हमको ब्लू प्रिंट की जरूरत नहीं, यहाँ पर हमें येलो कलर के इंक्यूबेटर स्टोन चाहिए, तो उसके लिए हम बहुत ही भयंकर वाला टोटका इस्तेमाल करने वाले हैं। हम येलो कलर का क्रिमिनल पहनेंगे, क्योंकि आपने कहावत सुनी होगी पैसा पैसे को खींचता है, क्या पता येलो क्रिमिनल येलो चीजों को खींच ले और हमें इंक्यूबेटर का वो येलो कलर का स्टोन मिल जाए। तो यहाँ पर हमने ड्रेस चेंज करने के बाद दो तीन इमोट मार दिए जो कि बहुत ही बढ़िया वाले टोटके होंगे मेरे हिसाब से। तो दिल पे पत्थर की बात छोड़ो, इस बार हम जेसीबी रख के एक बार और स्पिन करेंगे और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। मरना तेरे को डर नहीं लगता? तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं क्या हमारा जोकर यहाँ पे काम आएगा, क्या जोकर हमें कुछ निकाल के देगा। यहाँ पर हमने पहले स्पिन किया और देखते हैं क्या निकलेगा, बट मुझे लगता है नहीं कुछ निकलेगा। और अगर फिर भी कुछ मिल गया तो मैं फिर ये समझ लूंगा कि यहाँ पर हमारा टोटका वर्क किया। पर देखते हैं क्या हमारा टोटका सच में वर्क करेगा। और यहाँ तो चमत्कार हो गया, देखो हमारा टोटका वर्क कर गया, बट यहाँ पर फिर से हमें ब्लू प्रिंट मिला है, मतलब येलो चीज को खींचने के लिए हमने येलो क्रिमिनल पहना था, पर येलो चीज ना मिली और ये ग्रीन चीज मिल गई, बहुत उल्टा हो रहा है यहाँ पे। बिल्कुल डरना नहीं है और वीडियो को छोड़ के नहीं जाना, हम एक बार और स्पिन करने वाले, देखते हैं हमें क्या मिलता है। हाँ भाई इतना वीडियो देखा है तुमने तो अभी गिव अवे बचा हुआ, तो गिव अवे में पार्टिसिपेट करके जरूर जाना। और यहाँ पर मेरा लक बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, मैंने बहुत ट्राई करी कि मुझे यहाँ मिल रहा है बट कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ। और आप भी मुझे कमेंट करके बताओ क्या आपको कुछ मिलता है ऐसे इंक्यूबेटर में, और आपको अभी तक ये वाली यूएमपी मिली या नहीं मिली। और अगर ये वाली यूएमपी आपको नहीं मिली हो तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ अपनी जो यूआईडी है उसको कमेंट सेक्शन में आपको देना है, और किसी भी रैंडम बंदे के अकाउंट में हम 10,000 डायमंड का टॉप अप करेंगे। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। और अगर आप चाहते हो कि इस गिवअवे में सिर्फ आप ही जीतो और आपके अलावा कोई ना जीते, तो मैं आपको एक बहुत ही नॉर्मल सा टोटका बताता हूँ। आपको इस वीडियो को लाइक करना है, नीचे एक सब्सक्राइब का बटन देखेगा उसमें सब्सक्राइब करना है, और साथ में जो इस वीडियो को ज्यादा शेयर करेगा उसके जीतने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। तो देर किस बात की, शेयर करना चालू कर दो अभी से। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। अब सीजन 2 और क्रिमिनल बंडल की अपार सफलता के बाद हमने सोचा क्यों ना कुछ नया ट्राई किया जाए, कोई नई ड्रेस पहनी जाए, क्या पता उस ड्रेस में हमको कुछ मिल जाए। तो यहाँ पर कंफ्यूज था कि यार कौन से ड्रेस पहनूं, या मैं क्रोनो पहन लूं, या मैं आलोक पहन लूं, या फिर मैं सबसे अपना बेस्ट बंडल जो कि है सीजन 1 वो पहन लूं। तो यहाँ पर मुझे क्रोनो और आलोक के ड्रेस में उतना मजा नहीं आया, बट हाँ मुझे इतना पता था कि सीजन 1 में बहुत मजा आने वाला है। चलो हम पहले देखते हैं कि सीजन 1 कैसा होता है। पर तुम में से बहुत सारे लोगों ने सीजन 1 नहीं देखा होगा, बट तुमको बता दूं कि सीजन 2 से भी अच्छा सीजन 1 होता है। तो यहाँ पर देखो हम आ गए अपने कलेक्शन में, और यहाँ हम ढूंढ रहे हैं कि हमको सीजन 1 मिल जाए, बट कहीं नजर नहीं आ रहा है सीजन 1। तो ये रहा सीजन 1 का मास्क। आपने फ्री फायर के अंदर बहुत सारे मास्क देखे होंगे, बट सीजन 1 से बढ़िया मास्क अभी तक तो नहीं देखा होगा, और ये बात मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ। हमारे मन में तुम्हारे लिए जो तुम्हें अब मैं सीजन 1 की पैंट दिखाता हूँ, जो कि बहुत ही चमत्कारी और बहुत रेयर पैंट। तुमने बहुत कम लोगों को ये पैंट पहनते हो देखा होगा, क्योंकि बहुत कम लोगों के पास। अब बारी आती है सीजन 1 के शर्ट की, जो कि बहुत ही रेयर और बहुत ही प्यारा शर्ट है, और देखो तुम्हारे पास तो नहीं होगा, मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ। और अगर तुम्हारे पास ये बंडल है तो आपको कमेंट करके बताना कि हाँ भाई मेरे पास ये बंडल है, मैं अमीर हूँ। तो यहाँ पर हम अगेन टोटका लगाएंगे, मतलब एक इमोट करेंगे, तो कोई भी एक नॉर्मल सा हम नाचने वाला इमोट कर देते ताकि हमारा टोटका अच्छे से वर्क करे और हमें जल्दी जल्दी ये इंक्यूबेटर में स्पिन करके अच्छा आइटम मिले, क्योंकि यहाँ मुझसे बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा है। इतनी प्यारी यूएमपी की मतलब मन कर रहा है कि एक स्पिन में निकल जाए, बट वो निकल नहीं रही है। और अभी हमारे पास सिर्फ 3 ऑप्शन बचे हैं और 3 स्पिन में हमको ये निकालना है। पहला स्पिन हमने कर दिया है और क्या पता इसमें हमको कुछ मिल जाए, उम्मीद तो पूरी रहेंगे बट मिल नहीं रहा है कुछ भी। और यहाँ पर स्पिन हमारे खत्म हो चुके हैं और हमको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सीजन 1 हमारे लिए बैड लग।
वर्क लेके आया और हमारा टोटका यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, टोटका वर्क नहीं कर रहा है। तो चलो दिल पे पत्थर रख के हम एक स्पिन और करते हैं, क्या पता हमको स्पिन में कुछ मिल जाए। और यहाँ पर हमने स्पिन कर दिया, देखते हैं हमें क्या मिलता है। और लग नहीं रहा कुछ मिलेगा क्योंकि जो हमारा लक है ना उस पर हमको पूरा भरोसा है। बट क्या बात है, जो हमको चाहिए था वो हमें सच में मिल गया यहाँ पर गरीना, बहुत मेहरबान है। और देखो भाई अभी तक तुमने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो, क्योंकि देखो ये लाइक और सब्सक्राइब बहुत काम का है, उससे तुमको गिव अवे मिलेगा। अगर तुम लाइक सब्सक्राइब नहीं करोगे तो तुम्हारे जीतने के चांस जीरो हो जाएंगे, तुमको कभी भी डायमंड नहीं मिल पाएंगे, इसलिए तुम गिव अवे में जीतते नहीं। और इस वीडियो का हमारा लाइक एम है 100K लाइक, मतलब 100K, 1,00,000 लाइक करने हैं आपको इस वीडियो में। तो चलो हम नेक्स्ट स्पिन करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। और यहाँ पर मुझे पूरी उम्मीद थी कि मुझे इस बार भी कुछ ना कुछ तो देगा गरीना, क्योंकि देखो यार गरीना कुछ ज्यादा ही मेहरबान है मेरे ऊपर। और यहाँ पर सच में उसने मुझे कुछ दे दिया भाई, येलो वाला सेफल मिल गया हमको। और यहाँ पर हमारा मिशन हुआ कम्प्लीट और जो हमें चाहिए था वो हमें इजिली मिल गया। और अब हम चलने वाले इंक्यूबेटर के अंदर और वहां रखी हुई जो टॉप इंक्यूबेटर की स्किन है, जो कि टॉप UMP है, इसको हम एक्सचेंज करने वाले हैं। जब हमें ग्रीन कलर की स्किन मिल जाएगी तब मैं अपने दोस्तों को शो ऑफ करूंगा कि देखो भाई मैं कितना अमीर हूँ, मेरे पास इतनी टॉप वाली UMP है। तो अब इस टॉप वाली UMP पे हम क्लिक करने वाले और उसको एक्सचेंज करने वाले। और यहाँ हमने इसको एक्सचेंज कर लिया और तुम देख रहे हो कितनी प्यारी लग रही है। और अब ये UMP मिलने के बाद मैं प्रो बन चुका हूँ, अब मेरी स्किल्स का कोई लेवल नहीं, कोई मुझे छू भी नहीं सकता, मार भी नहीं पाएगा मुझे क्लैश स्क्वाड में। अब तो अब आते हैं अपने गन के कलेक्शन में और यहाँ तुम देख रहे हो कितनी प्यारी लग रही है। तो इससे अब हम बहुत ही भयंकर वाले किल्स करने वाले हैं। और अगर आपको चाहते हो कि आपको भी ऐसी UMP मिले तो आपको सिर्फ इस वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। चलो भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और दिन, मतलब कल ही आ जाएंगे हम वापस मुंह उठा के। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।